हेलो बच्चों, आज हम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको 16 के अराउंड क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में 99.9% आने ही आने हैं। ठीक है, तो हम दो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और आज आपको मैं क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक कराऊंगा, उस एक टॉपिक से आपके तीन क्वेश्चन निकल के आएंगे और तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन एक था बट एक क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन बन गए थे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, एक क्वेश्चन कराऊंगा वो तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपेसिटी को इंक्रीज करना, चीज़ों को बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, कैपिटल सॉरी कैपेसिटी इंक्रीज करना। अब देखो मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप छोटे बच्चे हो, मान लो आपको कोई काम करना नहीं आता, मैंने आपको वो काम करना सिखा दिया, तो मतलब मैंने अभी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, तो मैंने आपको उस चीज के अंदर आपका पूंजी निर्माण किया है और आप मानव हो, इसलिए मानव पूंजी निर्माण हुआ आपका। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो इकोनॉमिक्स में या आपके सिलेबस के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है वो देखते हैं हम। क्षमता को बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपका एम्प्लॉयर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, उससे उसका क्या बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है, आप मान लो मैं कोई होटल रन करता हूँ, ठीक है, आप उसमें जॉब करते हो, तो मैंने आपको सिखाया है कि खाना कैसे बनता है, फिर आप वही काम मेरे लिए करोगे जब तक आप जॉब करोगे मेरे पास। तो मैंने आपको खाना बनाना सिखाया, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी कंपनी पे, अपने होटल पे एहसान किया है। कैसे, आप मेरा खाना बनाने का तरीका सीख जाओगे तो आप उस लाइन को अच्छे से पकड़ लोगे और आप अच्छा खाना बनाओगे, तो मेरे कस्टमर्स को, होटल के कस्टमर्स को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी और आप मेरा उत्पादन बढ़ाओगे, मतलब कस्टमर इंक्रीज होंगे होटल के अंदर आना कि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो देखो इनडायरेक्टली मैंने क्या करा, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, आप ह्यूमन हो तो आपके ऊपर फॉर्मेशन क्या, मैंने किस चीज़ का, कैपिटल का, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, अब एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मानव पूंजी निर्माण में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, शिक्षा, एजुकेशन। देखो आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में, एमएनसीज में, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन रखा जाता है एजुकेशन का। एजुकेशन क्यों दी जाती है आपको, क्यों उस चीज की नॉलेज दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, क्योंकि नई चीजों को समझना। शायद आपको पता हो, जब कंप्यूटर नहीं आए थे तो लोग सोचते थे यार कंप्यूटर आएगा तो हमारा काम छिन जाएगा। फिर जो बैंक थे, जो बाकी कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयर कराया कि देखो कंप्यूटर आने से आपका काम नहीं छिनेगा, कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, उस पर एम्प्लॉय बैठता है, एक काम करने के लिए चाहिए होता है उसको आदमी। ठीक है, तो आप अभी जो काम मैनुअली कर रहे हो आप उस टाइम कंप्यूटर पर करोगे। तो देखो उन्होंने क्या करा, चीजों को समझना सिखाया कि आप बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, आपको नया काम दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से उनको एजुकेशन दी उस बारे में, उसको उनको ज्ञान दिया। सेकंड, नई तकनीक से अवगत कराना। सेम एग्जांपल कंप्यूटर या फिर कोई और टेक्नोलॉजी हो सकती है, मान लो कोई हमारे एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हम चाहते हैं कि अभी क्यों ना हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, हर कोई चाहता है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने के लिए लेटेस्ट एम्प्लॉय, लेटेस्ट मींस अपग्रेडेड, जिनको इन चीजों की नॉलेज होती है वो एम्प्लॉय होने चाहिए। तो हम पुराने एम्प्लॉय को हटाने की बजाय, नए एम्प्लॉय लगाने की बजाय, हम क्या कर सकते हैं कि पुराने एम्प्लॉय को उस चीज की एजुकेशन दे सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे होता है, आप ऐसे सीख लो और आपको ये काम सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है। मान लो मैं दिल्ली पुलिस के अंदर हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं कांस्टेबल हूँ,
तो अब मैं आगे स्टडी करूंगा अंदर ही उसको, अपने SI बनने के लिए, या फिर मान लो UPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंटल आगे बढ़ने के लिए, अपना प्रमोशन कराने के लिए, अगर मैं वो एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेता हूँ, उतना एजुकेटेड हो जाता हूँ, तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जो प्रोसेस उनका होता है, एग्जाम लेना, मेडिकल होना, वो तो अलग है, ठीक है? बट एजुकेशन के बेस पे ही मेरा प्रमोशन हो जाता है, ये किसी कंपनी में भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ भी होता है ऐसा, ठीक है? मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रशिक्षण ट्रेनिंग। देखो तो ये तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हो, चाहे वो BPO हुआ, मैंने देखा है कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, ठीक है? BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नोएडा वगैरह में, गुड़गांव में जो कंपनीज है उनके अंदर, तो आपको 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज की ट्रेनिंग मिलती है। अब वो ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती कि आप कंपनी घूमो फिरो, कंपनी में देखो कौन कौन काम कर रहा है, कोई दोस्त यार तो नहीं बैठा आपका, कोई पड़ोसी तो नहीं है कंपनी के अंदर, इसलिए नहीं होती, बल्कि कंपनी आपकी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए होती है, या आपका कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए होती है। क्यों? देखो, मुझे किसी काम की नॉलेज नहीं थी, मान लो मैं फ्रेशर हूँ अभी किसी कंपनी के लिए, तो कंपनी मुझे जो कंपनी के अंदर काम होता है वो सिखाएगी, वो इसलिए सिखाएगी ना, ताकि अभी मान लो धीरे धीरे काम सीखूंगा खुद के पॉइंट से, खुद अपने आप, तो काफी टाइम लग जाएगा, वही कंपनी मुझे एक हफ्ते के अंदर सिखा देगी काम, ठीक है? तो मैं कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा अचानक से, क्योंकि जो काम मुझे सीखने में काफी टाइम लगता है, कंपनी ने मुझे 7 दिन में सिखा दिया ट्रेनिंग देके। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी स्किल बढ़ती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, स्वास्थ्य हेल्थ। आपने देखा होगा अक्सर जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई सारे एम्प्लॉयज जॉब करते हैं, तो उनका एक कार्ड बना होता है, या उनको एक स्कीम दी होती है, उसका नाम होता है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब ये होता क्या है, ये होता है आप किसी, मान लो आपको आपकी तबीयत खराब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई आपका हेल्थ इश्यू है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जो उनके अंदर ऑथराइज होते हैं, वहां जाके अपना चेकअप करा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, वहां की फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हो आप, ठीक है? तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होता है कि आप हमेशा फिट रहोगे, या आपको कोई परेशानी होगी तो आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा पेमेंट का, कोई पैसों का ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट आपको रीइंबर्स कर देती है, वापस लौटा देती है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भाई हम गवर्नमेंट को, या फिर जिस जिन्होंने हमें स्कीम दी है, चाहे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई प्राइवेट हो कंपनी हो, उसने हमें स्कीम दी तो वो पागल है, अपना पैसा खर्च कर रही है बेफालतू में, ऐसी स्कीम दे रही है, हम अगर हम खुद जाते तो हमारा कितना पैसा खर्च होता, ऐसी बात आएगी मन में। बट इसके पीछे भी उनका अपना रीजन है, एक रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा कोई कार्ड नहीं बना हुआ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरा कोई कार्ड नहीं है, ठीक है? मैंने फोन करके बोल दिया सर अपने एम्प्लॉयर को, जो मेरे मेरे ऊपर जो सर है उनको मैंने कॉल करके बताया, सर मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने बेटा छुट्टी ले लो, मैंने ठीक है। फिर 1 वीक तक मैं ऑफिस नहीं गया, उनकी कॉल आई, भाई क्या हुआ 1 वीक तक ऑफिस नहीं आए? मैंने कहा सर तबीयत खराब हो रही है, 1 वीक और चाहिए। ऐसे करते करते मैंने 1 महीना निकाल दिया। अब देखो उन्हें तो मुझे 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, वो बोलेंगे चल कोई नहीं, तबीयत खराब थी, किसी के साथ भी हो सकता है हेल्थ इशू, तो क्या सैलरी काटे। बट मैंने चीटिंग करी है, क्यों? मैं ठीक था, मैं तो बस घूमने चले गया था कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये चीटिंग हुई नहीं हुई। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक हेल्थ स्कीम दे देती है आपको कि भाई ये कार्ड है, आप कुछ भी दिक्कत हो ठीक करा लेना, जाके दवाई ले लेना, चेकअप करा लेना, काम कर लेना अपना। अब पता क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है, आप जब जाओगे ना छुट्टी पे तो आपसे मांगेगी मेडिकल, और मेडिकल में बोलेगी भाई जो हमने आपको हॉस्पिटल ऑथराइज किए हैं आप वहाँ क्यों नहीं गए, क्या बात थी, क्या रीज़न था, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप जाओगे तो जो गवर्नमेंट जो सॉरी जो डॉक्टर्स होते हैं वो गलत रिपोर्ट तो आपके बनाएंगे नहीं, वो बताएंगे भाई इनको ये दिक्कत थी, इतनी दिन की छुट्टी चाहिए। तो इससे फायदा किसका हुआ, एम्प्लॉयर का, कि आपने फालतू छुट्टी नहीं की, और जितनी जायज छुट्टी आपकी होनी थी आपको इतनी छुट्टी मिली है, तो उनका काम रुकेगा नहीं और आपको बहाना नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो समझ में आया आपका कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। अब देखो आपको हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, तो अब कैपिटल फॉर्मेशन है, क्यों? क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो कंपनी में ज्यादा योगदान दे पाएंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है? प्रवसन, अकोमोडेशन। अगर आपने टैक्स पढ़ी है,
लो पड़ी है या फिर कहीं भी आपने देखा हो, एकोमोडेशन होता है रहने की जगह। तो जैसे कि टैक्स में कई बार पॉइंट आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ पैसे देता है, कुछ सहायता देता है, हेल्प देता है कुछ पैसा, कि ना आप कहीं भी किराए पर रह रहे हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट हो, आप कहीं भी किराए पर रह रहे हो तो आप थोड़ा भुगतान हमसे ले लो। कई बार पूरा भी मिल जाता है, कुछ परसेंटेज भी होता है, कुछ रेशियो होता है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की बात होती है कि क्या रेशियो डिसाइडेड है, क्या परसेंटेज है, ठीक है। और सेकेंड RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका मतलब क्या होता है, आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहीं कमरा दे दिया कि भाई यहाँ पर रहो, रेंट में भरूंगा इसका, आप खाली रहो, टाइम से ऑफिस आओ, टाइम से ऑफिस जाओ, ठीक है, टाइम से ऑफिस आओ और टाइम से घर जाओ अपने, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने की सुविधा। अब एम्प्लॉयर क्यों कर रहे थे खर्चा बेफालतू में, वो पागल है क्या? अगर मान लो वो 10,000 रुपीज का आपको घर दे रहा है किराए पे, वो 10,000 रुपीज की जेब में होते तो बीवी बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं आता सामान घर पे, अपनी बीवी को गिफ्ट कर देता तो घर में सुख शांति हो जाती उसकी, ठीक है। बट उसने ऐसा क्यों करा? उसने ऐसा इसलिए करा है, मान लो आपको अपनी कंपनी के पास वो एक घर दे रहा रहने के लिए, उससे क्या फायदा होगा? आप एक तो आने जाने में आप लेट नहीं होंगे, ठीक है, दूसरी बात अगर उसे कोई जरूरत पड़ती है पार्ट टाइम या कुछ भी काम पड़ता है तो वो फोन करके बुला लेगा, और आप ये बहाना नहीं मार पाओगे, सर जाम में फंस गया था, सर लेट हो गया, सर रहने की जगह नहीं थी, सर मकान मालिक से झगड़ा हो गया था, ये ऐसी बात नहीं कर सकते आप। तो इससे इनडायरेक्टली फायदा किसका होता है? एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया, आपको सुविधा दे दी ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, और आपको दिक्कत नहीं होगी तो उसे भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काम सबसे चलता है, आपसे उनका काम चल रहा है, उनसे आपका काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सूचना इंफॉर्मेशन। देखो मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। अब हमारी कंपनी का काम मान लो कुछ सेल परचेज का है, तो देखो होता क्या है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज ने कुछ चीज़ें सेल कर दी, ठीक है, तो ना आके इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान बिक चुका है, आप दोबारा सामान मंगा लीजिए, ताकि एक स्टॉक मेंटेन कर सके, जिसे आप बफर स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। बफर स्टॉक मीन्स मिनिमम स्टॉक, कम से कम स्टॉक, मतलब एक आपको स्टॉक का लेवल रख के चलना पड़ता है ताकि फ्यूचर में आपको स्टॉक की कमी ना महसूस हो, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, सूचना, सेल डिपार्टमेंट के पास सामान खत्म होता है तो परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि रे भाई ये सामान हमारे पास खत्म हो रहा है, तो इसे खरीद लो और इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दो कि प्रोड्यूस कर देंगे, ताकि कंपनी में माल की, सामान की, गुड्स एंड सर्विसेज की कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कनेक्शन बीच में टूटता है, यहाँ कोई दिक्कत होती है, तो सेल डिपार्टमेंट ने सारा सामान सेल कर दिया, परचेज डिपार्टमेंट को बताया नहीं, अब वो कहाँ से परचेज करेगा, परचेज नहीं करेगा रॉ मटेरियल तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बनेगा कैसे वो, और बनेगा नहीं तो फिर आगे अवेलेबल कैसे होगा सेल करने के लिए, तो कंपनी का काम ठप हो जाएगा, कंपनी का काम ठप हो गया तो कंपनी ठप हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, सूचना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखो ये सब, इन सब चीज, ये सब कारक, ये सब पॉइंट, ये सब फैक्टर्स किस लिए होते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के होते हैं, मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इनके बिना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना असंभव, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये फैक्टर अवेलेबल है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है और काफी अच्छे से होता है, ठीक है। अब देखो ये आप सारा नोट कर लेना, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसके कारक क्या है, वन क्वेश्चन, ठीक है। भौतिक पूंजी निर्माण, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन या सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण एवं भौतिक पूंजी निर्माण में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो एक क्वेश्चन से आपके तीन क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे, ठीक है। तो हमने अपना आधा काम तो कंप्लीट कर दिया, कौन सा, मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब मूव करते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ, भौतिक पूंजी निर्माण, आप इसे पोस्ट करके नोट कर लेना। अब हम आ गए हैं भौतिक पूंजी निर्माण,
भौतिक पूंजी निर्माण, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप इसको सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, देखो, पूंजीगत स्रोतों के स्टॉक में वृद्धि। पहली बात तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो, हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, हम अपनी कैपिटल के स्ट्रोक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बोल सकते हैं और सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन ही बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम में पूछ ले आपसे कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ कर आ जाओ, मुझसे बोलो कि आपने तो कहा था फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ये काफी सिंपल है। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, जैसे कैपिटल मैंने बताया था आपको, कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, मशीनरी लगाना, असेट्स इन्वॉल्व करना बिजनेस के अंदर, इसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब पूंजीगत स्रोतों में वृद्धि, या पूंजीगत स्रोतों के सॉरी पूंजीगत स्रोत के स्टॉक में वृद्धि करना, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल सोर्सेस, जैसे मशीनें लगा दी। मान लो मेरा बिजनेस छोटा था, मेरे बिजनेस के अंदर मान लो एनुअली 1 लाख का प्रॉफिट होता था, तो उस 1 लाख को मैं खर्च करने के बजाय हर साल अपने बिजनेस के अंदर लगा देता हूँ। कोई नई मशीन ला के रख देता हूँ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दिया मैंने, कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर दी, कुछ रिनोवेशन करा दी, ठीक है। तो मैंने अपनी पूंजी निर्माण किया है, कैपिटल को बढ़ाया है, मैंने वृद्धि करी है उसके अंदर। वो किसी भी वैसे हो सकती है, जैसे मशीनरी ला देना, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले मेरा कोई बिजनेस था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचने का, ठीक है। तो मैं नया टीवी हमेशा वही टीवी जो बिकते थे ला के रख देता था। तो ये तो मैंने करा स्टॉक में वृद्धि, कि स्टॉक खत्म हुआ, स्टॉक ला के भर दिया बहुत सारा, अब स्टॉक बढ़ गया है मेरा पूंजीगत स्टॉक, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या करा, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर टीवी ले आया, और मैं एलईडी एलसीडी ले आया, ठीक है। उससे क्या हुआ, देखो स्टॉक तो बड़ा बड़ा, प्लस नई टेक्नोलॉजी आई है मेरे पास में, न्यू टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। पहले देखो जो पुराने जमाने की टीवी होते थे, अब ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 साल पहले की बात कर लो, इतने मोटे मोटे टीवी आते थे कि पूरा घर गिर जाता था आपका, ठीक है। आपको प्रॉपर एक शेल्फ बनानी पड़ती थी टीवी रखने के लिए, स्पेस बहुत घेरते थे। अब आप देखते हो एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी है, कहीं भी टांग दो, कोई स्पेस ही नहीं है। अब तो इतने पतले टीवी आने लगे ना कि सर डाउट होता है कि भाई इसमें मशीन कहाँ लगा रखी होगी उन्होंने। आप भी देखना घर पे एलईडी टीवी होता है आपके घर में, कि आपको लगे पहले इतना मोटी टीवी होती थी, उसमें मशीन फिट करते थे, इतनी मोटी बड़ी बड़ी कांच की एक मशीन सी होती थी, शायद आपने देखा ना, देखा मैंने देखा हुआ है, कांच का कुछ मशीन टाइप होता था, वो लगा लगा रहता था। अब मन में डाउट होता कि इन्होंने क्यों लगा रखा, इन्होंने क्या मशीन निकाल ली चल के सारा टीवी। मतलब काफी हैरान करने वाली चीजें होती है। इसलिए कहते हैं कि देखो जब टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होती है, प्लस स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कोई डाउट। अब देखो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उसके फैक्टर्स जो हम कर चुके हैं पहले भी, फिजिकल कैपिटल और उसके फैक्टर्स जो हमने अभी करा, और दोनों में डिफरेंस 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और हाँ, इसको आप अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि सर ये डाउट है, समझ नहीं आया। और वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।